लिए खाना बना रही हूँ और मुझे जिम से आने में बहुत ही लेट हो गया। आई डोंट नो मुझे 2 घंटे क्यों लगते हैं वर्कआउट में, बट मैं 20 मिनट्स तो सिर्फ कार्डियो करती हूँ, फिर 3-3 सेट्स सारी एक्सरसाइज के लिए 10 एक्सरसाइज होगी शायद, 10 या 11। सो या मैं अच्छे से करती हूँ, दैट्स वाई ट्राई करूंगी कि जल्दी खत्म हो मेरी एक्सरसाइज, या फिर मैं ज्यादा रेस्ट ले रही हूँ, आई डोंट नो, या फिर इतना ही होता है। मुझे यार बहुत ही भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और अभी बस मैं आई, दिया बाती किया और मैं थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद ही कॉफी पीऊंगी मैं। ओके मैं अभी उठी हूँ क्योंकि मैं खाना खा के सीधे सो गई थी, और आपकी बहन अभी बहुत ही मस्त जिम हिट कर रही है, तो मैं बहुत ही थक जाती हूँ क्योंकि सुबह मैं खाना वगैरह बना के सीधा जाती हूँ, 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, फिर आती हूँ और फिर मुझे बहुत भूख लगी हुई होती है। सो अभी तो ऐसा ही हो रहा है, बट कल तो वेडनेसडे है, शायद दिल से ऑफिस जाए या ना जाए। मुझे रेगुलर होना है शूट में, अभी मैं नहीं हूँ, आई एम यूज टू हो रही हूँ मैं। सो मुझे जाना है गुड़ लेने के लिए, फटाक से थोड़ा ना ऐसे फ्रेशन अप हो जाती हूँ और गुड़ लेके आती, क्योंकि कल 7 में तो मुझे नीलेश के लिए थेपला बना। ओके अभी ना मेरी स्किन बहुत ही ड्राई हो रही है, मतलब ईयर में एक ऐसा टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से ना स्किन निकलने लगती है दोनों साइड से, ना भी मैं मॉइस्चराइजर लगाऊं मेरे फेस को, मुझे ना ऐसे ऐसे चाहिए कवर। आपकी बहन मेहनत कर रही है भाई, मुझे ना बेली जो मेरा लोअर बेली है ना ये बहुत ज्यादा है, मुझे वो ही कम करना है। आपको बिलीव नहीं होगा मैंने वहां पे क्लोई टिंग का जो फ्लैट एब्स जो चैलेंज है वो मैं वहां पे कर रही हूँ। देखो चैलेंज वैलेंज तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली वो वर्कआउट कर रही हूँ जो कि मेरे जो कोर मसल्स है वो उसको टाइट करने के लिए। जोमेटो वाला का ऐसे मैसेज आया, हे अंजू, वैसे ऐसे कोई मुझे मैसेज करता ही नहीं है, सिर्फ जोमेटो वाला ही करते हैं, बट नो थैंक्स जोमेटो, आई ओनली ईट घर का खाना। ओके चलो गुड़ लेके आते हैं, वैसे बाजू में ही है बट ऐसे उठी हुई ना लगू इसीलिए थोड़ा स्किन केयर वगैरह मुंह बू धो के जा रही हूँ मैं। आज नीलेश 5 बजे आ गया, मैं दही लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर है, सो कन्वीनियंट स्टोर बोलते हैं या फिर किराना जाने दो, CVS तो जापान कोरिया में होता है, सो लेट्स गो। इन माय लाइफ यहाँ पे पवन आ रहा है, मस्त हवा आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ। सुकल 7 में और ऑब्वियसली उसके बाद आएगी गणेश चतुर्थी, तो
तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को यहाँ का गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल होता है वो ज़रूर दिखाऊंगी। गुजरात में से भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं तो उसको भी लाइक देखने को मिले। यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट गणेश विसर्जन होता है, मुंबई में होता है ऑब्वियसली, बट वहाँ पे बड़े बड़े लाइक गणपति वगैरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, गणपति तो होते हैं पर इतने बड़े नहीं, बट यहाँ पे जो ढोल ताशा जो बजते हैं वैसे कहीं पे भी नहीं। यहाँ से पुणे से सारे ग्रुप को आउट ऑफ कंट्री बुलाते हैं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बाय द वे गणेश चतुर्थी के भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग जाएंगे हलवाई गली, तुलसीबाग भी जाना है सो हलवाई गली का भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। सो मज़ा आएगा। और हमारे सोसाइटी में भी हर बार लाइक होता है एक साथ में लंच होता है जो विसर्जन होता है तब, और बाकी आरती वगैरह हर रोज शाम को होती है तो वो भी हम लोग अटेंड करेंगे, मज़ा आएगा। यहाँ पे नीलेश के लिए पोटैटोज़ बॉईल कर रही हूँ क्योंकि उसको आलू पराठा बना दूंगी और मेरी कॉफ़ी, उसके बाद मुझे खाना है भुट्टा। आई विश ये सूख ना गया हो यार, लग तो रहा है। वैसे ये मेरा डिनर है अभी, नीलेश अभी आलू परोठा खाएगा और मैं ये मेरा डिनर है बेटा। मतलब मैं जितना हो सके उतना स्किप कर रही हूँ रात का खाना। और पेरू मेरा फेवरेट है जो कि अभी मैं खा सकती हूँ बट अभी 8 बजे के बाद नहीं खा सकती है क्योंकि फ्रूट्स रात को नहीं खाना चाहिए। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे जूनागढ़ की एक फरसान की दुकान है तो देखते हैं वहाँ पे लाडू है कि नहीं या मूनथाल वगैरह कुछ तो होगा तो विलेज के लिए लेके आएंगे। तो पहले मैं ये डिनर कर लेती हूँ उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे वाकड़ में। इसमें मैंने आज मसाला भी नहीं डाला कुछ भी, नीलेश बहुत चिल्लाता है। ओके आई एम विथ माय बगला नोबो। इसके पीछे कहानी है, बाद में बताऊंगी। यहाँ पे पंडाल की तैयारी हो रही है और बहुत सारी गणपति भगवान की दुकान स्टॉल लगे हुए हैं। पहुंच गए द्वारकाधीश, फरसान और मिठाई। यहाँ पे ना फाफड़ा जलेबी सब कुछ बहुत मस्त मिलता है सुबह। लाडू, खजूर पाक, मोनथार सभी टाइप के पत्थाने भी मिलते हैं, होममेड भी मिलते हैं बट ये पैक वाले भी मिलते हैं। गुजराती स्नैक्स सब मिलेगा यहाँ पर। मैं अभी फटाक से नीलेश के लिए आलू परोठा बना देती हूँ, उसके बाद हमें बनाना है थेपला जो कि रांधन छठ के दिन हम लोग सब कुछ बना के रख देते हैं और जो चूल्हे वगैरह होते हैं उसको मतलब ठारना बोलते हैं कि चूल्हा ठारो। ऐसे जो गुजराती होंगे उसको मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है बट जो यहाँ महाराष्ट्र के और बाहर के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, हम लोग सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाए उसके बाद ही चूल्हा जलाते हैं। बाकी पूरे जो सप्तमी होती है पूरा दिन हम लोग ठंडा खाना खाते हैं। और स्पेशली जिसके बच्चे होते हैं जो मतलब शीतला माता के यहाँ पे पूजा के लिए जाती है वो सारी औरतें
और फिर आने के बाद ठंडा खाना खाती है पूरा दिन, और दूसरे दिन भी खाते हैं, बट अभी थोड़े कम खाते हैं क्योंकि लाइक गैस वगैरह आ गया है, तो चूल्हे जो होते हैं मिट्टी के उसको ठारते हैं, बाकी जो औरतें होती है वो नहीं, बाकी जो लड़कियां होती है उसकी बेटी वगैरह वो दोपहर को खाना बना सकती है, सो चलता है। और बाकी गर्म खाना हम लोग जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाए तभी हम लोग खाते हैं। सो 3 बजे कुछ आज मुहूर्त था, चूल्हा ठर गया है, मतलब ठार दिए है सबने गुजरात में, और हम लोग बहुत कुछ मिठाई फरसान और सब कुछ बनाते हैं, चने की सब्जी बना के रख देते हैं, तो वो 2 दिन तक खानी होती है इसीलिए। सो ये सब कुछ होता है पुणे में, लाइक यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं होता। आई मिस माई खम्भालिया, और मुझे वहाँ की वाइब बहुत पसंद है जन्माष्टमी के टाइम पे। बहुत टाइम हो गया है मैंने वहाँ पे सातम आठम नहीं की है, बट ओके। सो ये गुड़ वाला पानी है और इसी पानी से मैं आटा गूंदूंगी और इससे ही मीठे थेपले बनाऊंगी मैं, जो कि गुजरात में जो सातम आठम होते हैं उसमें बनाते ही हैं। यहाँ पे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट गुजरात में तो बहुत सारे बनाते हैं। मेरे जहाँ पे नीलेश की मम्मी के यहाँ पे मैं जब सातम आठम पे थी, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ पे थी उस टाइम पे रांधन छठ के टाइम पे, तो जो कपड़े धोने का जो नहीं होता इतना बड़ा वो टब जैसा, उसमें आटा गूंथते इतना सारा और इतने सारे बनाते हैं थेपले पूरियां, मतलब मैंने ना रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है बेलने का इतना बड़ा होता है वो, उसको बोलते हैं क्या होता है लोया बोलते हैं, इतना बड़ा लोहे में मैंने आटा ये वो मतलब सासू माँ गूंद के देते क्योंकि उतना मैं नहीं गूंद सकती, और फिर मैं बनाती थी। मुझे ऐसे बेलने में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बैठे बैठे बेलती रहती हूँ मैं। सो नीलेश को बहुत पसंद है इसलिए बना रही हूँ मैं उसके लिए। और सो मैंने ना आटा इसमें रख दिया है, अभी मैं सीधा ये पानी इसमें डालूंगी। वैसे मुझे सातम आठम की जो ये बनाते हैं ना उसमें बहुत ही बोर होता है, बट क्या करें। चोर बेड़ी में तो मैंने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं मेरे अपने। कभी मतलब इतना सारा खाना कभी नहीं बनाया था मैंने, फर्स्ट टाइम वहां पे मैं थी और मैंने इतना सारा ये थेपला पूरी शक्कर पारा और इतने सारा चिवड़ा सब कुछ बनाया था, मतलब कर लेती हूँ ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, सब कुछ हेल्प करती थी, मतलब वो ऐसे आटा गूंथ के देते जाते थे मेरी सासू माँ और मैं बस ऐसे बेलते जाती हूँ पूरा दिन। तो इतना टाइम ना मैं वहां पे खड़ी नहीं रह सकती, आधे तो हो गए अभी इतना आटा पड़ा है, तो मुझे सिर्फ फैशन करना नहीं, मुझे खाना बनाना भी आता है और सभी तरीके का खाना बनाना आता है, मुझे डोसा बनाना नहीं आता बाकी सब आता है तो मैं सिर्फ मेकअप नहीं करती, मैं सब कुछ करती हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ आज, एक तो लेग वर्कआउट किया है मैंने और अभी कमर दर्द कर रही है मेरी, और ये आटा ना थोड़ा एकदम थोड़ा कठोर को क्या बोलते हैं हार्ड गूंद लिया था, तो अभी मतलब इसको बेलने में भी बहुत ताकत लग रही है मुझे। जो चीजें आप खा नहीं सकते वो करने में भी बहुत बोर होता है। इसको बोलते हैं भाई घर वाला थेपले। सो भाई पैसेंजर परमवीर ऐसा कुछ नाम है, उसके 3 ब्लॉग देखे तब मेरे ये खत्म हुए, अभी मैं इसको चलूंगी और अभी 11:30 बजने को आए हैं और
बाय द वे जो पैसेंजर परमवीर या परमवीर आई डोंट नो ना नाम, उसके क्या व्लॉग होते हैं यार, मुझे ना उसको देख के ऐसे मतलब हो रहा है कि मे बी वर्ल्ड घूमू। लाइक वो ऐसे ऐसे कंट्री घूमता है, लाइक ऐसे नहीं कि वो प्रॉपर व्लॉगर है, लाइक अपने फ़ोन से या उससे वो व्लॉग करता है और ऐसी डेंजर डेंजर कंट्री में जाता है वो, लाइक मतलब जहाँ पे कोई जाने का सोच भी नहीं सकता उन कंट्री में, लाइक अच्छी कंट्री में भी जाता है और आपने कभी नाम भी ना सुना हो उस कंट्री के, लाइक वो डेंजर डेंजर एरिया होते हैं वहाँ पे वो जाता है। तो उसको देख के मुझे भी ऐसा मतलब मैं भी ट्रैवल ब्लॉगर बन जाऊँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर ट्रैवल ब्लॉगर ऐसे ड्रोन से वो ऐसे वीडियो लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल ब्लॉग अपने हाथ से एंड दैट्स इट। और वहाँ की करेंसी क्या है, कितना सस्ता है, ये क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितना डेंजर है, क्राइम कितना है, वो सब मतलब बताता है वहाँ पे। और मुझे ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होगा, बट मुझे हिस्ट्री देश के बारे में जानना, वहाँ पे खाना क्या मिलता है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ पे कितना डेंजर एरिया है, वहाँ पे कितना क्राइम होता है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद है और मैं ऐसे ही ब्लॉग देखती हूँ। मुझे उसके ब्लॉग यार खतरनाक मुझे बहुत पसंद आए, मैं रैंडमली उसका ब्लॉग मैंने खोल लिया तब से मैं उसके ही ब्लॉग देख रही हूँ। लाइक मुझे भी सारी कंट्री के नॉलेज मिल रहे हैं धीरे 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 धीरे, सारी की सारी कंट्रीज़ के, लाइक एकदम रॉ वीडियो होता है उसका, नो नॉनसेंस रॉ वीडियो। और कभी कभी ना मेरे शादी करने पे इतना मुझे अफसोस होता है ना ये सब चीज़ें, देखो अपने लिए करना अलग बात है, किसी और के लिए करना बहुत आती है। कई लड़कियों को मुझसे ऑब्जेक्शन होगा, बट मतलब कई लोगों को, लड़कियों अगर आप इंडिपेंडेंट हो ना कभी शादी मत करना, एकदम एक बड़ी बहन की तरह मैं आपको सजेशन देती हूँ, एडवाइस कभी शादी मत करना। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, बस थोड़ा थोड़ा ही लगता है, करो ही मत। मुझे ना ऐसे नोज पे ना ऐसे खंजवाड़ सी आती है, आपको लगता है ये कितनी गंदी है, मुझे तो खंजवाड़ आती है। कितना मजे लेके सो गया है वो, मेरी यहाँ पे कमर की वाट लग गई है पूरी, ये तो ऑलरेडी क्रैम्प है, बैठी 5 days टू गो, मेरे पीरियड भी आने वाले हैं। ब्लॉग देखते देखते ना इतना बोर नहीं हुआ ये करने में, अभी सिर्फ दो ही रहे। ओके फाइनली हो गया है, बट सब कुछ नहीं हुआ है, 12:30 बजने को आए, 12:30 बजने को आए हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स, सॉरी हिंदी गुजराती मिक्स। देखो कॉन्फिडेंट तो अब मेरे में बहुत है, बट कभी कभी ना बोलने में इधर उधर हो जाता है, तो ये मुझे कैसी शर्म। सो या तो 12:30 बज गए और मुझे तुलसीबाग जाना है। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे अकेली जाऊँ, अगर नीलेश मुझे अलाउ करे तो मैं अकेले ही जाके आऊँगी, वो आएगा साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं बोलूँगी कि कैन आई गो अलोन, बट इट्स टोटली ओके अगर वो साथ में आया तो, मुझे शूट करने में थोड़ा ना डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, बट या बाकी किसी को यार पूछने में अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो लोगों को जो मैं पूछ भी रही हूँ ना, मुझे उसको भी नहीं पूछना चाहिए अभी कि चलो चलो चलो, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों पूछूं। मेरा हस्बैंड इतना सपोर्टिव है, वो सब जगह पे चलता है मेरे साथ, और ऐसे लाइक ऐसे क्रिंजी टाइप हस्बैंड जैसा भी नहीं है, लाइक कि मैं कुछ लेने के लिए रुकूं तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ऐसे वो कभी नहीं करता है,
वो मुझे आराम से देखने देता है, लेने देता है, जैसे कि मैं किसी लड़की के साथ गई हूँ, जैसे कि कोई मेरी बेस्टी के साथ गई हूँ। सो या इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड के साथ घूमना भी अच्छा लगता है, पार्टी में जाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं है। सो या कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है। तो यार मतलब वो ऐसा कुछ, अभी प्राची और पूजा को पूछा था, उसने मना किया, तब मुझे ऐसे अंदर से ऐसे मेरी ना अंतर आत्मा ऐसे चिल्ला के बोली कि तुझे किसी की जरूरत है क्या बे, तो सबको ऐसे फोन करके पूछ रही है। तो एक एक और लड़की को भी मुझे फोन करके पूछना था, बट मैं नहीं पूछने वाली। या तो मैं अकेली जाऊंगी या फिर मैं मेरे बेस्टी के साथ जाऊंगी जो कि मेरा पति है। हाँ, मैंने बहुत बार रियलाइज किया कि नीलेश कभी लाइक वो ऐसे टिपिकल हस्बैंड की टाइप का नहीं है, लाइक कि मुझे कुछ ले, मैं मुझे कुछ पसंद आ रहा है, अगर मैं लूँ या ना लूँ या ऐसे ही टाइम पास करूँ, वो खड़ा रहता है। वो एक शब्द लड़का अपने मुंह से नहीं निकालता कि तुम क्यों खड़ी हो, नहीं लेना है तो क्यों खड़ी हो, चलो ये वो, उल्टा मुझे प्रोटेक्ट करता है ऐसे सारे लोगों से, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। जाने दो, नजर लग जाएगी। थू 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 थू, टच वुड कहाँ पे। ये रहा। चलो अभी व्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है? कमेंट करके बताना, और प्लीज यार शेयर करो मेरे वीडियो को, तुम्हारी सिस्टर को बनाओ फेमस। ये ऐसे 5-6 साल निकल जाएंगे ये चैनल को सक्सेसफुल होने में। सो चलो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे वीडियो को शेयर कर दो, ताकि, और अगर आप मेरी चैनल में अभी आए हो ना देखने के लिए और मेरा थोड़ा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी करके जाओ। और मैं बहुत ही आपको पसंद आ गई हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, अंजू आहिर ऑफिशियल। ओके, बाय, गुड नाइट।